मध्य प्रदेश के अंदर जो बढ़े हुए बिलों का विषय आता था, सरचार्ज का विषय आता था, आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 31 अगस्त तक के सारे इस तरह के बिल स्थगित कर दिए जाएंगे और सितंबर में जो बिल आएगा वो जीरो इन बिलों का आएगा। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए आम जनता को बड़ी राहत दी गई है, जिसमें सितंबर में बिजली का बिल जीरो आने की बात कही गई है। मुझे बताइए, कई जगह बहने आ जाती है और मुझे कहती है, भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं। तो सुनो मेरी बहनों, आज मैं ये फैसला कर रहा हूं कि बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। अब उन बिलों का इंतजाम मैं करूंगा। अब सितंबर में बढ़े हुए बिल जीरो हो जाएंगे, जीरो। और उसके बाद हर महीने गरीब बहन का बिल केवल 100 रुपया आए, इसका इंतजाम किया जाएगा। बताओ 100 रुपया तो दे दोगे तो बड़े बिलों से मुक्ति। और इसके विस्तार से कहां कैसे कितने, ये भी पूरी की पूरी कार्यवाही शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। इसी तरह से जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा 450 रुपये का सावन में बहनों के लिए सिलेंडर, गैस सिलेंडर का कहा था, आज कैबिनेट के द्वारा उसे मंजूरी दी गई है। इसमें उज्ज्वला के जो कनेक्शन हैं उनमें तत्काल राशि डाल दी जाएगी और जो शेष बचे हुए हैं उनके भी आवेदन या फार्म भराने के बाद तत्काल उनके अंदर भी वो राशि डाल दी जाएगी। ये राशि 4/7/23 से 31/8/23 की अवधि में प्राप्त की गई रिफिल 450 में रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 29 जुलाई को आशा, शहरी आशा और आशा पर्यवेक्षकों के सम्मेलन में जो घोषणाएं की थी, 2000 से बढ़ाकर जो उनकी प्रोत्साहन राशि है उसे 6000 करने की, उसको कैबिनेट के द्वारा आज मंजूरी की गई है। और जो प्रतिवर्ष उपभोक्ता सूचकांक के अनुसार 1000 रुपया बढ़ेगा, उसको भी कैबिनेट के द्वारा आज मंजूरी दी गई है।